मारवाड़ जंक्शन के लिए आज का सबसे दुर्भाग्य का दिन है कि जनप्रतिनिधियों के साथ एक अधिकारी ने जिस तरीके से बदसलूकी की है चलती बैठक के अंदर। मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका में आज 3 बजे बजट की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें हम सभी सदस्य माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए थे। उसमें अधिशांसी अधिकारी के द्वारा चेयरमैन पति के कहे अनुसार मारवाड़ जंक्शन के सभी पार्षदों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी के साथ पेश हुए और बैठक को आतात बंद कर दिया और कहा कि नहीं होगी बैठक, चलो आप बाहर चलिए, और इस तरीके से हम पार्षद गणों को बाहर निकाला है, वो मारवाड़ के लिए काला दिन है। और आम जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग हमारा सहयोग करें और समर्थन दें कि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मारवाड़ जंक्शन के नगर पालिका में चेयरमैन पति ने जिस तरीके की हठधर्मिता फैला रखी है और अपने रिश्तेदारों को जिस तरीके से यहाँ टेंडर दिला रखे हैं, और मारवाड़ जंक्शन में जो 16 टेंडर हुए, 16 में से 9 टेंडर एक ही व्यक्ति के नाम पे खुलना, ये इसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार 100% हुआ है। उसमें अधिशांसी अधिकारी भी लिप्त हैं, चेयरमैन स्वयं भी लिप्त हैं, और 26 जनवरी पर मारवाड़ जंक्शन में 5 लाख के लड्डू बांटने की जो निविदा निकाली गई उसमें सभी पार्षदों का एक ही विरोध था कि जिस तरीके से आपने 5 लाख के लड्डू बांटे हैं तो सदन को अवगत करवाएं कि लड्डू कहाँ कहाँ बांटे गए और किस स्कूल में कितने दिए गए। तो इस पर अधिशांसी अधिकारी भड़क गए और गुस्सा होने लगे और एक पार्षद को आग दिखाने लगे, तब सभी पार्षद भड़क गए और यहाँ पर 4 घंटों से हम धरना देकर बैठे हैं। जब तक यहाँ अधिशांसी अधिकारी स्वयं यहाँ आकर के नहीं हमारी बात को सुनते हैं और माफ़ी नहीं मांगते, तब तक ये धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। यस, अभी हमारा धरना प्रदर्शन 4 घंटे से जारी है और अभी 7:30 बजे का टाइम हो चुका है, फिर भी अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे पास में हमारी सुनने के लिए कोई नहीं आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाएं भी इतनी सारी संख्या में यहाँ बैठी है पार्षदगढ़, जो जिनके घर पे अब खाना बनाने का टाइम है, फिर भी वो महिलाएं बैठी है, विकास कार्य के लिए संघर्ष कर रही है। तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगी कि हमारा साथ दे, सहयोग करे और विकास में साथ खड़े रहे। और जो जिस प्रकार प्रशासक अधिकारी, ये जो अधिशासी अधिकारी हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं, वैसा व्यवहार दोबारा न करें, इसके लिए हमने ये धरने पर बैठे हैं। और जब तक अधिशासी अधिकारी या कोई अधिकारी आकर के हमारी नहीं सुनेगा, तब तक हम नहीं उठेंगे। चाहे 2 दिन हो जाए, रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम यहीं बैठेंगे।